हेलो, गुड म८र्निंग दोस्तों। 10 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इम्पोर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज एक्चुअली द हिंदू में कुछ दो तीन आर्टिकल्स या दो तीन पॉइंट ऐसे आए हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे डिस्कस है वो करेंगे, क्योंकि तो इकोनॉमी के लिए वो बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमें एग्जाम में यूपीएससी वगैरह कई बार पूछ लेती है। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज एक जो आर्टिकल आया है वो है यूएनसीआरडी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट को लेकर। कंटेक्स्ट ये है कि यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट है, इसका 8वीं रीजनल जो 3R फॉर्म है एशिया और पैसिफिक क्षेत्र का, उसकी जो समिट या मीटिंग है वो एक्चुअली इंडिया के मध्य प्रदेश में इंडिया का मध्य प्रदेश है वहाँ पे इंदौर में हुई है। यह है कंटेक्ट 9 से 12 अप्रैल के बीच में। तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक तो ये हो जाता है कि यूएनसीआरडी है क्या भाई, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके साथ ही 3R फॉर्म क्या है, दो वर्ड यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाते हैं। तो हम एक एक करके इनको यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट है, ये एक्चुअली 1971 में बनाया गया था। 1971 में कब बनाया गया था, यह मैंने लिख का एग्रीमेंट था जो कि जापान और यूनाइटेड नेशन के बीच में हुआ था। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसको जो यूएनसीआरटी थी इसलिए बनाया गया था ताकि सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जा सके। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इसका निर्माण है वो किया गया था। स्टार्टिंग में इसमें एशिया पे फोकस किया गया था, बाद में एशिया और पैसिफिक वाले क्षेत्र को इसमें इंक्लूड है वो किया गया था। तो ये ध्यान रखना कि यूएनसीआरडी है वो एक तरह का एग्रीमेंट है जापान और यूनाइटेड नेशन के बीच में। काम क्या है, प्रमोट करना जो हमने डिस्कस किया। इसी के साथ ही ये प्लानिंग करता है, मैनेजमेंट करता है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। इसी के साथ ही ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसको, माहौल को तैयार करता है ताकि एक से दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़े और आपस में ट्रेड वगैरह वो भी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कदम वो आगे बढ़ाए जा सकें। तो ये तो था इसका बेसिक काम और जो चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली। अब जो इसका 8वीं रीजनल 3R फॉर्म था उसकी जो सबमिट की जो थीम थी वो देख लेते हैं, क्योंकि उस पर यूपीएससी का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार की जो थीम थी वो थी अचीविंग क्लीन वाटर, क्लीन लैंड, क्लीन एयर थ्रू 3R एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, ए 21st सेंचुरी विजन फॉर एशिया पैसिफिक कम्युनिटीज। तो ये इसकी थीम थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 3R फोरम क्या है, तो हम यहाँ पे 3R फोरम के बारे में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे 3R फोरम का जिक्र हुआ है। देखो, जो 3R फोरम है वो एक्चुअली 2009 में जापान के प्रपोजल के द्वारा एक प्लेटफॉर्म के तौर पे बनाया गया था। अब 3R का मतलब यहाँ पे ये है, सबसे पहला वर्ड आता है आर का मतलब, वो यहाँ पे आता है रिड्यूस, उसके बाद में आता है रीयूज, इसके बाद में आता है आर का मतलब, वो आता है रिसाइकल। तो मतलब ये एक तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ताकि जो भी कचरा वगैरह होता है उसको किस तरीके से हमें मैनेज वगैरह करना है। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे पूरे विश्व में कचरा है वो वेस्ट मैनेजमेंट है वो काफी बड़ी समस्या है। तो उसके लिए बनाया गया कि एक तो हमें कचरे है वो कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए, इसके साथ ही हमें कचरे को रीयूज भी करना है। और रीयूज किस तरीके से करना है, हमें कचरे को रिसाइकल करते हुए रीयूज करना है ताकि नया वेस्ट वो जनरेट ना हो और जो भी इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसके लिए इसकी स्थापना वो 2009 में जापान के प्रपोजल के बाद की गई थी। तो यह ध्यान रखना कि 3R फॉर्म एक तो किस रिलेटेड है, तो 3R फॉर्म रिलेटेड है यूएनसीआरडी। यूएनसीआरडी क्या था, जापान और यूनाइटेड नेशन के बीच में एक एग्रीमेंट था, उसके बारे में हमने बेसिक पॉइंट है वो डिस्कस कर लिए। अब जो इंडिया में इसकी 8वीं जो रीजनल फॉर्म की मीटिंग हुई है, समिट हुआ है, उस समिट की यहाँ पे बात आती है। यू समिट को किस किसने होस्ट किया, तो इसको एक तो यूएनसीआरडी ने होस्ट किया है, इसके साथ ही जापान की एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पे होस्ट किया है, और इसी के साथ इंडिया की हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड सॉरी अफेयर मिनिस्ट्री है उसने इसको होस्ट है वो किया। तो ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके बारे में देखो, जो हैंड राइट नोट्स है वो आपको नीचे मिल जाएंगे। एक्चुअली मैंने दो तीन स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड की हैं क्योंकि इनमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने यहाँ पे ऐड है वो कर लिए। तो अब हम चलते हैं आगे। अगला जो एक टर्म और था वो था CRAR के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा था कि भी RBI ने 11 बैंकों को PCA फ्रेमवर्क की लिस्ट में शामिल किया है। PCA फ्रेमवर्क क्या है, PCA फ्रेमवर्क का मतलब प्रमोट कोरेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। देखो, इसका PCA फ्रेमवर्क का मतलब सीधा ये होता है कि भाई जो बैंक है जिनकी हालत खस्ताहाल होने लग जाती है ना, मतलब RBI को डाउट होने लग जाता है कि भाई ये बैंक के फ्यूचर में डूब सकते हैं या इनकी हालत अभी ठीक नहीं है, इनका NPA वगैरह ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उन बैंकों को एक्चुअली RBI PCA फ्रेमवर्क की लिस्ट में इंक्लूड करता है। तो ये तो था इसका साफ साफ मोटा मोटा मतलब। अब देखो, कौन कौन से बैंक है ये तो UPSC नहीं पूछने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि 11 बैंक है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते कि 11 बैंकों के आप नाम याद है वो रखो। नॉर्मली आपको बता दूं कि जैसे IDBI बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, इसके साथ इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसके साथ देना बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो मेनली एक तरीके से
जो एक कॉमर्शियल बैंक होते हैं उन्हीं को एक्चुअली पीसीए फ्रेमवर्क में एडहो किया जाता है। तो ये चीज एक इम्पोर्टेंट हो जाती है, यूपीएससी पूछ सकती है, या और जो कॉर्पोरेट बैंक्स वगैरह होते हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता है, नहीं किया जाता। नहीं भाई, जो मेनली कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको ही पीसीए फ्रेमवर्क में एडहो किया जाता है। अब इसमें होगा क्या, पीसीए फ्रेमवर्क में ऐड करने के बाद देखो प्रमोट करेक्टिव एंड एक्शन फ्रेमवर्क में ऐड कर देगी ना आरबीआई, तो इसके बाद होगा ये कि इनके ऊपर लिमिट लग जाएगी, इन बैंकों के पास लिमिट किस तरीके की, कि ये बैंक है लिमिटेड तो लोन दे सकेंगे, और इनकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग वो बढ़ जाएगी। एक तरीके से आप बोल सकता हूँ कि इनकी सर्विलियंस है वो बढ़ जाएगी आरबीआई के द्वारा, मतलब आरबीआई इनको ज्यादा चेक करेगी बार बार कि ऐसा नहीं हो कि एनबीए बैंक है वो एनपीए वगैरह से डूब डूब के खत्म हो जाए। क्योंकि देखो अभी हमारे देश में एनपीए की समस्या ना काफी ज्यादा हो रखी थी, तो आरबीआई को ऐसा अभी डाउट हुआ कि यार इन बैंकों की हालत है वो ठीक नहीं है, कुछ डाटा वगैरह इनको मिला होगा, उसके आधार पर आरबीआई ने इनको पीसीए फ्रेमवर्क में एड आउट किया। तो यूपीएससी पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड वगैरह है, तो इसका आप यही ध्यान रखना कि पीसीए फ्रेमवर्क में मतलब ये होता है कि आरबीआई है जो बैंक होते हैं उनके ऊपर लिमिट रेगुलेशन बड़ा बढ़ा देती है, ताकि वो बैंक के थ्रू से करप्ट वगैरह ना हो सके, क्योंकि उनकी हालत है वो खराब हो चुकी होती है। तो एक तरीके से ये प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ पे एक आरबीआई जो मेजर काम करती है वो करती है सीआरआर को, या सीएआर या सीआरआर। सीएआर का मतलब होता है कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, जो इसका दूसरा नाम वो है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो सीआरआर। तो ये दोनों नाम एक ही है, सी या तो सीएआरआर या फिर सीआरएआर का, दोनों नाम सेम है। अब होता क्या है, देखो जब भी कोई बैंक लोन देता है, से मान लो कि एक बैंक है, ए बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया किसी को, तो ऑब्वियसली बैंक के पास कुछ ना कुछ तो रिस्क हुआ ना कि भाई ये पैसा क्या पता है या नहीं। तो जो जितना बैंक लोन देता है उस बैंक पे कुछ ना कुछ रिस्क का वो परसेंटेज बनता जाता है, जितना ज्यादा लोन होता है उसके अकॉर्डिंग रिस्क का वेटेज है वो बढ़ता जाता है। अब अगर जिन बैंकों का ये रिस्क का वेटेज है ये बढ़ जाता है, जैसे कुछ बैंकों का, कई लोगों को बैंक लोन दे देते हैं फिर उन्हें लगता है कि यार ये पैसा तो डूबने वाला नहीं आने वाला, तो वहाँ पे रिस्क का जो परसेंटेज है उसे 20 से 30% हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि वहाँ पे खतरा बढ़ रहा है कि पैसा वापस रिकवर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में सीआरआर या सीएआर वो बढ़ जाता है और बैंकों को एक्चुअली खतरा होना शुरू हो जाता है कि भैया अब उनका पैसा वो डूबने वाला है। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि सीएआर या सीआरआर है वो एक तरीके से बैंक की कैपिटल टू इसकी रिस्क के बारे में, कि बैंक है उसने लोन दिया तो उसकी कितनी रिस्क हो गई है, तो उसके बारे में सीएआर है या वो इंडिकेट करता है कि भाई बैंक कितनी रिस्क में भी है, ये वगैरह डाटा वगैरह वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक चीज जो हमने यहाँ पे टर्म्स वगैरह वो डिस्कस किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुअली आया है मानस नेशनल पार्क के बारे में, तो देखने से मानस नेशनल पार्क है कहाँ पे। देखो सबसे बड़ा फैक्ट ये आता है कि मानस नेशनल पार्क वो है आसाम में, तो ये है यहाँ पे आसाम की लोकेशन, आई होप आपको दिख पा रही होगी आराम से। ये आसाम में एक्चुअली बताऊं तो आपको भूटान के बॉर्डर वाले एरिया में, मतलब भूटान के बॉर्डर के पास में ही है, और इस जो मानस नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा है वो भूटान में भी आता है, और भूटान में इसको जाना जाता है रॉयल मानस नेशनल पार्क। तो ये चीज ध्यान रखने, यूपीएससी की बार हो सकता है मैच द फॉलोइंग में दे दें कि रॉयल मानस नेशनल पार्क को मैच द फॉलोइंग में दे दें, आप सोचो कि नहीं यार आसाम में होगा, आसाम में नहीं है, रॉयल मानस नेशनल पार्क है वो भूटान में है, और इंडिया में है केवल मानस नेशनल पार्क, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम कोई बेसिक चीजें हैं मानस नेशनल पार्क के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। देखो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ साइड में ये इसकी लोकेशन आपने देख ली कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है और यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है। अब मानस नेशनल पार्क है ना वो एक तो यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो ये चीज हमें ध्यान रखें। इसी के साथ ही एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसी के साथ ही एक एलिफेंट रिजर्व भी है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है आसाम में, तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मानस नेशनल पार्क ये, तो ये चीज इसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान है वो रखना है। हिमालय के ऑब्वियसली हिली वाले एरिया में आते हैं, तो काफी एनिमल्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, काफी स्पीसीज वगैरह यहाँ पे होती है। इसी के साथ एक बात इंपॉर्टेंट वो आती है कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है मानस रिवर, ये देखो यहाँ पे आपको आई होप थोड़ा सा दिख रहा होगा लाइन से, देखो यहाँ से एक सहायक रिवर है, इसके किनारे पे ही मानस नेशनल पार्क को बना हुआ, तो यूपीएससी मानस रिवर के बारे में पूछ सकती है जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, तो ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो मानस रिवर है वो एक्चुअली इंडिया और भूटान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो भी बनाते हैं कुछ वाले एरिया में, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है हमारे लिए कि इंडिया और भूटान के बीच में बॉर्डर डिवाइड करने का कौन काम करते हैं, वो करती है मानस रिवर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे होता है। इसी के साथ यहाँ पे सवाना वाला एरिया है, और ज्यादा तो कुछ आपको याद नहीं रखा, बस ये कुछ बेसिक पॉइंट। और इसी के साथ एक दो चीज ये देखना कि यहाँ पे कुछ एक्चुअली कुछ स्पीसीज पाई जाती है जो केवल पर्टिकुलर इसी एरिया में पाई जाती है, इंडेमिक है, मतलब इंडेमिक का मतलब जैसे काफी बार बताया कि वो स्पीसीज जो पर्टिकुलर उसी एरिया में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे एक तो हो गया आसाम रूफ टर्टल हो गया, इसके साथ ही हेस्पिड हेयर हो गया, इसके साथ गोल्डन लंगूर हो गया, इसके साथ पिग्मी होग हो गया, तो ये कुछ स्पीसीज हैं जो केवल और केवल इसी के साथ मानस नेशनल पार्क में ही पाई है वो जाती हैं। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो आर्टिकल है वो है वाल्मीकि एंड मल्हर लैंग्वेज के बारे में।
तो वाल्मीकि एंड मल्हर लैंग्वेज है, ये एक्चुअली इंडेंजर्ड कैटेगरी की लैंग्वेज है जो कि अभी रिसेंटली एक तरीके से पाई गई है, मतलब इनके बारे में भी पता चला कि भी इंडेंजर्ड है, इनको बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफी कम बची है, 100 से भी कम लोग हैं वो इनको अभी बोलने वाले हैं, वो बचे हैं। तो इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकते हैं कि वाल्मीकि एंड मल्हर लैंग्वेज के बारे में। तो जो जो वाल्मीकि और जो मल्हर लैंग्वेज है ये एक्चुअली वाल्मीकि जो वाल्मीकि लैंग्वेज है वो तो उड़ीसा के कारापुट में और इसके साथ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर वाले एरिया में बोली जाती है, यूपीएससी पूछ सकती है इसके बारे में भी। और जो मल्हर लैंग्वेज है वो भी एक्चुअली उसी एरिया में मेनली बोली जाती है, बट इस ये एक सब टाइप सब ग्रुप है एक तरीके से, मल्हर लैंग्वेज है वो सब ग्रुप है, कौन से का, द्रविड़ियन फैमिली का। क्योंकि देखो आपको पता है कि द्रविड़ियन लैंग्वेज वो एक्चुअली वैसे तो साउथ में बोली जाती है बट नॉर्थ में भी कुछ एरिया में द्रविड़ियन लैंग्वेज वो बोली जाती है, तो नॉर्थ की जो द्रविड़ियन लैंग्वेजेस है उसकी एक्चुअली सब टाइप है मल्हर लैंग्वेज, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब नॉर्थ इन जो नॉर्थ की द्रविड़ियन लैंग्वेज वो कौन कौन सी है, जैसे कि एक तो हो गया माल्टो होगी और दूसरी होगी कुरुक्स, तो ये ध्यान रखना कि माल्टो और कुरुक्स है वो एक्चुअली सॉरी माल्टो और जो कुरुक्स है वो एक्चुअली नॉर्थ द्रविड़ियन लैंग्वेज है, जो कि कहाँ बोल जाती है, वे बोल जाती है मेनली वेस्ट बंगाल, इसी के साथ झारखंड और बिहार वाले एरिया में। तो ये ध्यान यूपीएससी की बात पूछ सकते हैं चीजों के बारे में, तो यहाँ पे दो तीन फैक्ट वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि देखो आज के आर्टिकल में काफी दो चार इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा आई है, तो आप इन सबको दो तीन बार रिवाइज कर लेना, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ ये जो लोग इनको लैंग्वेज को बोलते हैं वो मेनली फॉरेस्ट और हिली एरिया में रहते हैं, इसलिए उनके बारे में पता नहीं चला था, बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट को पता चला तो ये डाटा सामने वगैरह आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो देखो कंटेक्स्ट तो यही है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो दिल्ली में भी स्टार्ट हो की गई है, तो उसको लेके दो चार पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं। है क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों को जो बीपीएल परिवार से नीचे हैं उनको फ्री में गैस कनेक्शन वो देगी। क्यों फ्री में, क्योंकि इसलिए देगी ताकि वो जो भी पॉल्यूशन की वगैरह समस्या होती है उसे निपटा जा सके। क्योंकि देखो जब भी वुमेन खाना बनाती है घर में, तो जब वो एक्चुअली चूल्हे वगैरह पे या फिर उपले वगैरह पे खाना बनाती है तो उनको काफी पॉल्यूशन की वजह से काफी बीमारियां हो जाती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई पॉल्यूशन पे लगाम लगाया जा सके और फ्री में गैस कनेक्शन देने का प्रावधान वो किया। तो इसमें मेनली 1600 रुपए की फाइनेंशियल एड वगैरह वो दी जाती है गैस कनेक्शन के लिए, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसमें डाटा कहाँ से यूज किया जाएगा, भाई कौन आदमी गरीब है कौन नहीं है, तो वो डाटा यूज किया जाएगा 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के जो डाटा है उनके आधार पर, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आ जाता है कि ये मिनिस्ट्री चलाई किसने है, तो ये ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम एंड नेचुरल जो गैस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्कीम ना के बराबर चला जाती है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है उसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को सपोर्ट है इम्प्लीमेंट है वो किया है। फायदा क्या होगा, पोल्यूशन पे लगाम लगेगी, बायोमास पे फायदा होगा, और इसके साथ जो कोयले का यूज हो रहा है उस पर भी, कोयले का जो कंजप्शन है उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम हो लगेगी और वुमेन की हेल्थ को सिक्योर है वो क्या जा सकेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो था यूएनसीआरटी के बारे में। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि 1971 में बनाई गई थी, जापान और यूनाइटेड नेशन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, काम वगैरह क्या थे वो हमने देख लिया था, कंटेक्स्ट भी हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिया था। इसी के साथ अगली बात यहाँ पे आती है, वो आती है ना हुई 3R घोषणा के बारे में या ना हुई 3R डिक्लेरेशन के बारे में। तो ये एक जो डिक्लेरेशन है ये आप नाम से समझ गए होंगे कि 3R डिक्लेरेशन मतलब ऑब्वियसली इसी से रिलेटेड है जो भी हमने डिस्कस किया था, ये एक्चुअली 2013 में वियतनाम में हुई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि 2013 में वियतनाम में ना हुए सॉरी हाँ हुए 3R डिक्लेरेशन वो हुई थी। क्यों हुई थी, इसका मेन मोटिव ये था कि सस्टेनेबल जो 3R के गोल्स है ना, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल के, उनको एक्चुअली प्रमोट करने के लिए कौन से क्षेत्र में, एशिया और पैसिफिक के क्षेत्र में। देखो जो भी कचरा है ना उसको हमें इस तरीके से यूज करना है ताकि एक तो कचरा कम से कम हो, इसके साथ उस कचरे की मात्रा को भी रिड्यूस करना है और उसको रिसाइकिल भी करना है ताकि इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड ना हो और कहीं ना कहीं हम हमारे इन्वायरमेंट को बचा हो सकें। तो इसके लिए इसको जो ये डिक्लेरेशन है इसको 2013 से 2023 के लिए अडोप्ट है वो किया गया था, और ये ध्यान रखना कि नॉन बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है। इसके साथ अगली जो न्यूज थी वो थी मानस नेशनल पार्क के बारे में। तो उसके बारे में जो कंटेक्स था वो हमने डिस्कस कर लिया था कि आसाम के अंदर है और यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसी के साथ ये एलिफेंट टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो और इसके साथ हमने देखा था कि इसका कुछ हिस्सा है वो एक्चुअली भूटान में भी आते हैं, भूटान में इसका नाम वो कुछ अलग है, तो उस बेसिक सारी हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर ली। तो ये थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, एक्चुअली आज मैं क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाया हूँ, तो हम कल के लेक्चर में क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। और आज होस्ट का तो जो बायोस्फीयर रिजर्व इसके साथ नेशनल पार्क वगैरह है उनका एक वीडियो है अलग से, वो डिस्कस कर लिया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी हर साल एक दो क्वेश्चन वगैरह वहाँ से पूछती रहती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।